श्री श्याम, राधे राधे। तो आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ मौसी का व्लॉग। और मासी ने देखो अभी सारा घर चमका दिया और अभी भी काम पे लगी रही है। इतना काम क्यों कर रहे हो, थक जाओगे? हाँ, अच्छा ये देखो इतने सारे कपड़े धोए हैं, फिर भी मासी अभी रुक नहीं रही, बहुत सारा काम किया है। ये रही हमारी लूसी। लूसी ये देखो गाइस, चटरू मटरू टिकी नहीं रे। ओए, इस कमरे की बेडशीट बिछ चुकी है और उस कमरे की बिछगी, और ये मासी यहाँ पे कर रही है काम। मान ही नहीं रही मासी, अभी कपड़े धोए हैं, ये स्लैब भी साफ करी है, वहाँ सोफे भी करे, और हाँ इसको भी नहलाया है मैडम को अभी भी है। हाँ, पूरी सफाई करें। तो गाइस कमेंट में जरूर बताना कि मासी का मंदिर कैसा है, कैसा लगा आपको मासी का मंदिर। मासी मार रही है अभी पोचा, इतना काम करा है आज, इतना काम करा है, मान ही रही आज, मान ही रहे। तो कल गाइस पूरा घर ना काला काला हो गया था, यहाँ से पूरा ऊपर से सारा काला काला हो गया था। मासी ने सारी शुरू से सफाई करी है, बिल्कुल अच्छे से चमका दिया सारा घर, सारे जाले उतारे, सारा कुछ कर दिया, ऐसी सफाई कर दी दिवाली जैसी। हाँ, कहाँ जा रही है? शॉप पे। किसकी में? आपकी में। क्या करवाना है, क्या सिलवाना है? क्या सिलवाना है? अभी तक हम शॉप पे बैठे हैं, 12 बजे क्या रखे हैं, है ना, इतनी देर होगी। बस अब हम मौसा जी का वेट कर रहे हैं, मौसा जी आधे घंटे में आने की कह रहे थे, बस जैसे ही मौसा जी आते हैं वैसे हम निकलेंगे, और हम वेट ही कर रहे हैं मौसा जी का। पूरे दिन ब्लॉग ही नहीं लिया, पूरी दुकान में बैठे रहे। हाँ मोड़, क्यों क्या हो गया? बस वो भाभी वाला। अभी तैयारी कर रही है मौसी शॉप बढ़ाने की, अभी बोर्ड बार्ड भी अंदर करेंगी। मौसा जी तो आए नहीं, तो हम सोच रहे हैं हम खुद ही चले जाते हैं ऑटो पे, क्योंकि आए नहीं मौसा जी, तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा मौसा जी को, काम पे गए हुए हैं। हम ऑटो में बैठ चुके हैं, इतनी मुश्किल से ऑटो मिला है, बहुत ज़्यादा है ना, अब थोड़ा सा तो हम पैदल चले हैं, और मिल गया अब ऑटो, अब मिलते हैं आपसे घर जाके, और मिलाएंगे जूली और लूसी से भी। हाँ, मन नहीं लगता उनके बिना। तो गाइज हम घर आ चुके हैं, और घर आते ही मासी अब हाथ मुंह धो के जोत लगा रही हैं और धूप बत्ती लगा रही हैं। आज तो संभाल लेगी बोलोगे, कल कल आप आपको संभालना पड़ेगा। हा? कल तो मैं जाऊंगी। लो भाई धूप भी लगी और जोत भी लगी। तो गाइस ये देख लो, जूली के लड़ाई जा रहे हैं लाड, और यहाँ पे पिटाई भी कर रही है मम्मी। भाई ये अगले बार तो ये बोली है मासी, ये तो बोली है आपके घर, मेरे पीछे पड़ गई थी अभी। वो देखो। मम्मी लड़ा रही है इनको लाड। क्यों भाई,
तो गाइज मैं एक बात और कहना चाहूँगी, क्योंकि हमारा इतना टेंशन भी हो रही है बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा दुख भी हो रहा है क्योंकि भाभी चली गई है सामान उठा के, हमारा घर था उसी की वजह से था, ठीक है। और जो भी हम जाया करते, जब भी जाया करते माँ की कमी करते, हमने कमी महसूस नहीं हुई भाई। हाँ सरोज दिखा करते, हमने सरोज के थ्रू हम माँ का रूप देखा करते उसमें, ठीक है। और इस मारे हम भाई का घर हमेशा खुला रहना चाहिए यार, क्योंकि दिहाड़ी खाली होगी ना तो कल का हमारा, मेरा पिंकी का तो ना तो रोटी खाना जी करता ना ही, आज दुकान पे गई जरूर हूँ पर मेरा ना एक सूट भी नहीं सिला है, एक सूट भी नहीं सिला है। वैसे मासी का व्रत है, कुछ भी नहीं खाया, दो कप चाय पी सिर्फ, दो कप चाय। टेंशन कितनी बड़ी हुआ है, क्योंकि इतना बड़ा टेंशन, इतनी बड़ी टेंशन हुआ है कि माँ बाप धरती पर चले जाओ, अपना घर तो दिखा ना भाई, हाँ वहाँ देड़ी मारे खुली हम जावा, हाँ भाई इस मारे फिर हमने जाना भी, हमने इतना उन्होंने लगा करता भाई, हाँ सरोज बैठी हमने हर चीज़ दिखा कर दी भाई, उसका अंदर यह भी मेरे गला कही हो गया, काफ़ी बार गई और बहुत प्यार करा कर दी इस गले तो सरोज, इतना प्यार था महाराज नंद भाभी का भाई, बेरे नहीं किसकी नज़र लगी मार को, क्या करना अगर नजर भी के कालू नए पंगे बोए हैं तो मेरा तो कोई साथ लगनी हो गया तो मैं तो के मेरे गले उसका गला वो भी नहीं हुई है, क्योंकि महाराज नु आगा इतना था भाई, एक अनु लगा ले हम भाभी अरे वो कम थी, बहन ज़्यादा थी, फ्रेंड थे हम एक दूसरे की, तो नू कौन था भाई, आज उसका दुख देखना है मरना है ना, बस मेरे रूम से उसी टाइम तो पिंकी मेरे गला कई बार हंस गई है, हिसाब से हम हंसी जाया करते, और पिंकी ने देख रखी है सरोज का नेचर कैसा है, अच्छा बढ़िया नेचर है, कालू का कसूर है उसका तो बेचारी, उसका तो कोई कसूर भी नहीं है, कोई भी आपका भी है तो कोई अपने मारे पीटे पर क्यों रहेंगे वहाँ, कोई भी कौन रहोगे पे इन लगा ले, कौन अपने बापा ने पिटवाओगा, कौन रखवाओगा, ये मेरा मारा करता तो मैं भी तेन लुकाट दिया करता, कैंची अगर उसका गल है तेन बता हम किस तरह रह लेंगे, रह लेंगे इसमें तो फिर भी 16 साल मेरे की तरह काट दिए, मैंने भी 16 साल उस आदमी गला काट दिए थे गाई, क्योंकि उसने मेरी जो जो दुर्गति करी थी ना आखिरी मेरे नासा में डंडा नू आ गया था जिस तरह से दुकाया है, तो उसने भी निकलना ही पड़ा है, क्यों बाढ़ का हाथ तक इसके इतनी टेंशन हो रही है, उसने समझाऊ मैं तू जाके अपा ले आवा जाके तेरी घनी टेंशन है, सिस्टम अलग है मेरा, सरोज का तो अलग ही है, क्यों मैं उसने सारी बात बता दिया करूँ, वह मेरे गला शेयर कर दिया कर मेरे, उसके तो कदे आज लग तू मैं तो कदे जिंदगी में नहीं हुई, कदे जिंदगी में तो हुई हो, पर कालू ने जो सा उसने मेरा गला कराया ना कालू ने, वो मैं कदे नू लगा ले उसने मेरी जिंदगी का नाश कर दिया, आज लग मैं सूत नहीं आना, क्योंकि देखो कहीं आपने पता है, किसी ने पता हुआ किसी ने नहीं पता हुआ, और किसी ने तो पता ही नहीं जानती हमारी दूसरी शादी है या कुछ भी है, ठीक है। उसने जो सा करके दर दिया ना पिछला अतीत मेरा ले आकर खड़ा कर दिया, जहाँ मेरी दुकान है ना वहाँ पर किसी ने नहीं भी पता, किसी ने भी नहीं पता भाई मैं एक सेकंड मैरिज है मेरी, ठीक है। दूसरे यहाँ पे हर किसी ने पता चल गया, हर किसी ने, क्यों ब्लॉग हर कोई देखता है, फैमिली से रिलेटेड सारे आगान लग रहे हैं सारे, क्यों कालू का ब्लॉग एक मेरा सर्च मारोगे ना सारे आगान जाएंगे मेरे कुंबे के सारे, मुस्कान के कालू के सर अरमान के हर कोई किसी का ब्लॉग आगा आ जाएगा, क्यों ये चीज़ें ना हम ना भुगत रही हैं, भुगतन लग रहे हैं इबलग, क्यों कालू आया था ना इतना बोल दिया, इतना बोल दिया कोई अंत नहीं, लिया के खड़ा कर दिया वो पछाणो कौन है कौन नहीं, सरोज गलत तो मेरी कोई लड़ाई ना थी ना कदे है, और मैं तेन कहूँ भाभी भाभी तो मैं तेन आज लग कदे मैं क्या करूँ सरोज क्या कर बोलिया करूँ, क्योंकि मेरे से छोटी है वह, तो मैं फिर भी उसने मैं कहूँ भाभी तू करा जा अपना, मैं कहने दे तो मैं तेरे पैर पकड़ बड़का की एडमिशन करा दे और करा जाओ तो दफा हो गया, मैंने तेरे तक कोई भी वो कौन ही भाई, मेरी मेरी तो छोटी बहन है तू बेटी बेटियां बराबर तू मैंने, और पर नू लगा कर दा भाई गरजाया कर देना तो नू लगा कर दा अपनी बात मिल ली इस का सब कुछ रो दिया कर दी, कद अज लगा हमने इसने नहीं पानी का गिलास भी नहीं ठाण दिया, बैठे तो पानी पूछा करती थी, आज वो चली गई ना तो घर नू हो रहा है भाई घर में कुछ है को नहीं, क्यों मन माड़ा कर चुप हो, रात भी इतना रोई है गाई ये मसा चुप कराई थी फिर लग गई 10-10 मिनट में लग जा रो चुप कर
इतना दिन ऑर्डर का बाद बताओ कोई अपने भाभी ने 16 साल का अपना देखा था भाई हम मेरे छोटे बेबे है कुछ भी है इतना दिन कौन देखा था भैया घर छोड़ कर जिसने जाना पड़ेगा। आपने इतनी हिम्मत करी है भाभी तो कि मेरा ही नहीं आपके बच्चे बराबर है परिवार आपके हक में है कोई नहीं मिलना चाहता बर्तना तो उसे काटा मार दो और क्या कर सकना जो आपने नहीं पसंद करता जो आपने किसी ने पसंद कर दिया उसके ना बोलो अपने घर तो ना छोड़ दो कम से कम ये रो रो कोई बोल हो रही है ना कोई खांदी ना खुंदी फिर दो कप चाय पी लेने की नहीं इतना लगा होने के बाद भी बंदा ने तुम करो भैया मान लू भाई तेरी हिम्मत है तू रह रही थी मार खाया करती सब कुछ कराया करती गर्मी तो कुत्ते की है ना मारने की है सारा कसूर हम तो हम अपने का काट तेरे तो कोई कसूर भी काट दे भी तेरी कोई कमी है फिर भी बर्दाश्त करे फिर भी मैं सोचू भाई ना बालक है कोई नहीं छोटे हो बड़े बड़े हो गए बालक ब्याह योग्य हो गए करने 2 साल पछ बर्दा मान लो का भी रिश्ता देखना पड़ेगा सारा कुछ छोरी का भी करना पड़ेगा कल्ली लेडीज कुछ भी नहीं कर सकती घर छोड़ क्या सलूशन है मुकाबला करो उसका तंग कर रहा है उसका मुकाबला करो घर छोड़ की मैं बन जा अरे तेरा घर है कुकरे रो कुकरे खा कुकरे पी साले ना बढ़ने ना देवे घर अगले को ऊपर लात मारा सारे तू आया क्या करना है घर है छोरा बराबर करो इसने को क्या करना घुसा तू घर घर बढ़ने ना दे ना तो भी धक्के दे का काटो अगले का एहसास हो भाई हाँ मैं किस कड़ा आ गया मैं तेरे जाए तो वो सुधर जाएगा वो तो फिर भी कौन सुधर है वो तो आंदे फिर उसने तो तोड़ा फोड़ी वो ये करना है हैं कम तक कम अपना घर संभाल लिया आ कुछ नहीं रहन बातें मैं ठीक है अपना जो सब उसने करना था वो कर दिया कह दिया तो मैं बेबे मैं पैर पकड़ लूँगी सारे की तरफ तो मैं छोटी हो जाऊँगी तेरे हाथ तरफ ठीक है तो मैं न कहूँ भाभी की कुछ भी नहीं तरह सरोज बातें मैं कहूँ आ जोड़ कर कहूँ अपना घर आ जाए कह दिया तो मैं आ जाऊँगी बेबी गाड़ी जवान छोरी लेके कड़ियाँ बाहर रहना बहुत आसान बात नहीं है बालक बराबर के हो जाएंगे जवान बालक ना अपना घर तो सारी गली जाना है अपनी गली सारी जाना है भाई किस नेचर है किस अगला का व्यवहार है सारी गली मुट्ठी बंद है हमारी गली जी पर कोई पराया आदमी बढ़ नहीं सकता हमारी गली में है कम से कम तो था तभी बैठी अपने घर में सांस सवेर बगाने शहर में जाना सी खेल खोनी हर ना कोई कली लुगाई ना जीने देवे चाहे किसी ये भी हो सती सावतरी हो चाहे कुछ भी हो कली लुगाई ना कोई भी कौन जीने देवे बोझा बोझा बैरी हो जाएगा इस चीज़ का ठीक अपने घर में तभी बैठी थी था भाई हाँ अपने घर में बैठी है और किराए के मकान ना बना तो और बड़ा मन ने बेरा टे आए महीना खड़ा कुकर हो जाए किराया देना आए महीना किराया देना बिजली का बिल देना मिनट मांगता दिखता और वो लोग खा जाएंगे उसको करना है तने बेरा है अपना घर आ जा अपना घर संभाल ले कुछ नहीं तो रहन बखता हम बिल्कुल ठीक है मेरी कहीं तक लड़ाई को ना मेरे तक को दुख नहीं है टन गया तो बेटा मैं आ जाऊँगी ठीक है और इतना माता पता सुन मार तो पा कर चढ़ गया तेरा और उनके मार मेरी माँ बैठी है मैंने आज लग माँ की महसूस कदे जिंदगी में महसूस को नहीं हुआ था मेरी माँ को नहीं आ तो चली गई ना तब तो मेरा नू मेरी माँ चली गई आज रोवा ना चुपो कोई ना आगे गुस्सा है थोड़ा मन में कोई बात नहीं वैसे चले अपने सामान मत लेके जाओ आप वापिस आ जाओ भेज की भी कोई पार पड़ रही है तब तक मार खाओगी यार बताइए सही बात है तोड़ कर गिर दो हाड़ ने मिनट में सेकंड लागो उसका एक मिनट लागो उसकी हाड़ तोड़ तोड़ी जिस तरह मारा कर ना कसाई को मार दे इतना मारा है गलत बात है इसका नशे में मेरा मन पड़ता हूं तो ठीक ठाक तो दिमाग बढ़िया रहा ठीक ठाक तो उसकी बहुत इज्जत करा है बहुत तो नुका गल सरोज खा ले सरोज नु कर ले पर वो नशे में बेरन के कर जाए के नहीं करता वो नशे में कर दे सारा के में गलती तो ही भुगतने रे पड़ रही है ना कै साल हो गए एक साल बर्दाश्त कर 2 साल कर 3 साल कर 16 साल हो गए कई साल बर्दाश्त करेगी इतने साल कर लिया है बच्चे जवान हो गए के करना बच्चे बराबर खड़े हैं उसके फिर उसने के टेंशन है टेंशन है सब टेंशन वाली हो चुकी गलत हो गए कुछ नहीं तो रही तो जिंदगी वालों था बस घर हाँ बैठी तो है कम तक घर बैठी है घर देख ले बात है कतर हुआ अपने माँ बाप याद देख ले बात है मकान में अपने माँ बाप पूरे रह कर दे पूरे बैठा कर दे कुछ नहीं तो कितना
गाइस मैं कहूँगी आप भी इसमें मैसेज करो अपना घर आ जाओ, ठीक है। अरे अब भी मैं भी सब तुम जाऊँगी इसके द्वारा कि इधर को कल ले चले जाओ या परसों चले जाओ, लेकर जरूर आओ मेरे सुनो, ठीक है। बार सुनने को छोड़ते भाई, हाँ वहाँ रह लेगी तोड़, मैं मेरे तो रह लिया आऊँगी, ज़्यादा करेगी तो मेरे तो रह लेगी।